जिनका बैकलॉग नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और प्लीज आप कोशिश करिएगा भाई, देखो अब ऑफिस में भी कई लोगों की तबियत खराब होनी स्टार्ट हो रही है और डेंगू का भी टाइम है, ठीक है। आई जस्ट विश कि किसी को ऐसा कुछ हो ना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, ये जो नवंबर का टाइम है ना ही एकेडमिकली और हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का सा भी इधर उधर का खान पान, हल्का सा भी इधर उधर का केयरलेसनेस आपकी तबियत अगर खराब करेगी, लिटरली बता रहा हूँ, इस जो टाइम पर आप लॉस करेंगे इसको ओवरकम करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो प्लीज आप अपने पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। डीपीपीज के बैकलॉग को आप बैकलॉग काउंट मत करिएगा, रीजन मैं बता रहा हूँ, जैसी आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट अगर आपके दिमाग में है कि सर नहीं मेरे पास डीपीपी का बैकलॉग है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आप सेट ट्राई करेंगे आप डीपीपीज को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वो बैकलॉग काउंट मत करना। बैकलॉग आपके लिए एक्चुअली में क्या है कि जब यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ा दिया है और आपने खुद से वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं नोट्स में नहीं लिखा है, वो आपके लिए एग्जैक्टली एक बैकलॉग है। मॉड्यूल एंड ऑल, इसके बाद भाई देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन ये 4-5 महीने आप क्या करोगे, क्वेश्चन ही तो करोगे, कर लेना मॉड्यूल, कर लेना एचसीवी, कर लेना आप डीपीपीस, ये सारा आपके पास टाइम आएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो, जब आपका एक बार 11th एंड एक बार 12th खत्म हो जाए, फिर आप ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 एचसी वर्मा के और लगाइएगा, ठीक है, उनको अभी होल्ड कर दीजिएगा। जेईई मेंस का भाई देखो अगर डेट की बात करी जाए तो कोई आइडिया नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, क्योंकि अगर फरवरी या जैन में अगर हो रहा होता तो ये बात तो निश्चित हो रही है कि कहीं ना कहीं जैन तो आपका टेस्ट नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। रीजन बीइंग क्योंकि अब नवंबर आ गया, 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, तो 10-12 दिन बच्चों को भरने के लिए दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी सीट्स अलॉटमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कराना, 2 महीने का टाइम कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम है। तो आप ये मान के चलिए अभी आपके चांसेस नहीं है, फरवरी 15 से सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, तो अब इसके बीच में करना थोड़ा सा क्रंच हो रहा। अगर नवंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक तक अगर नहीं आया नोटिफिकेशन तो समझ जाना आपके सीधे मार्च में होने वाले हैं, आपके सीधे मार्च के एंड या अप्रैल में आपके जेईई मेंस के अटेम्प्ट होने वाले हैं, आप उस चीज से रिलैक्स हो जाएगा। बस 15 नवंबर तक वेट करिए, अगर 15 नवंबर तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है दैट मींस वो सीधे आपके मार्च में जाएंगे या फिर अप्रैल में जाएंगे, क्लियर। आपके लिए एक कहते ना ब्यूगल जैसे है, जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो एक ब्यूगल बजता है, पा, 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 पा,